नमस्कार एडिटर्स पॉइंट को स्वागत करुच्छे मु जजाति महंत। आज आम प्रसंग रखिछु चाषी ताती चाषी प्रथम पर्याय आलोचना विफल होगापर केन्द्र सरकार चिंता बढ़ी कृषक आंदोलन को आहुरी तीव्र करने चाषी संगठन गुड़िक स्थिर कर दिल्ली में स्थिति अणायत होबार लगी कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमार बड़ बयान आसी से कहते चाषी मानू मोर अनुरोध से माने प्रथमे आईन रो प्रावधान संपर्क में सविशेष सूचना नियंतु अनेक विचार विमर्श पर कृषि आईन ने संस्करण व संशोधन करदि तथापि आईन सह चाषी समस्या अच्छी तेरे सरकार आलोचना प्रस्तुत अच्छा प्रसंग उपर चर्चा करिवारे कौनसी द्विधा नहीं बोली केन्द्र कृषि मंत्री प्रतिश्रुति आमे चाषी दृढ़ भाव ठिया हाँपाई प्रस्तुत अच्छु बोली मंत्री कहते आसंता काली बैठक में पुणि थरे एमएसपी प्रसंग उपर विस्तृत आलोचना हो एक समाधान मिलवा नहीं समस्ते आशा बांधि अन्य पक्ष चाषी आंदोलन किंतु उग्र होबार लगी सरकार आंदोलन दाबी न मानिले परिस्थिति अणायत हो मंत्री किंबा सरकार उच्च पदाधिकारी नुहे बर आम सीधासलख प्रधानमंत्री मोदी आलोचना करने को चाहूँ बोली चाषी संगठन स्पष्ट कर एपटी जातीय स्तर चित्र परे आमे जदि राज्य को आसीबा राज्य रे मध्य चाषी आंदोलन आरंभ होई धान किणा एवं राज्य रे चली धान किणार अव्यवस्था को लेकिन चाषी असंतोष बढ़िबार लगी कटनी छटनी ना रे मिलर माने कोऑपरेटिव संस्था माने किपरि चाषी को हैरान करुछंती आज आम आंदोलन देखुथुलु संबलपुर कुचिंडा रे एवं टोकन व्यवस्था कथा सरकार जहाँ कहउछंती से व्यवस्था को आहुरी सुधारिबा कथा कहउछंती ताहा किंतु वास्तव रे परिलक्षित होउनाही एभळे एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आमे आज आलोचना करिबा आलोचना करिया पई मो सहित स्टूडियो रे उपस्थित अछंती संग्राम केसरी राज्य कार्यकारिणी सदस्य नवनिर्माण कृषक संगठन मो सहित रहउछंती पश्चिम ओडिसा रा विशिष्ट चासी नेता श्रीजुक्त अशोक प्रधान आम सहित जोड़ी होउछंती दिल्ली रा अपडेट देबा जी मीडिया प्रतिनिधि सागर रथ समस्त को स्वागत करुच्ची आलोचना आरंभ करने चाहिए श्री तो अशोक रथ आपण बास्तव रे ये घटना घटुची आज आम देखल संबलपुर कुचिंडा चाषी असंतोष देखल आम आंदोलन भी चलला बास्तव रे सरकार कहले टोकन व्यवस्था गत थर थिला आपण मैंने प्रतिवाद कले सरकार एथर कहले आम टोकन व्यवस्था सरलीकरण व्यवस्था आनीचु जार धान अमल हो सारी आम टोकन देवु से आराम आसिकी मंडी में धान बिकी पार ए सबू कथा हाबा परे निजे समवाय मंत्री घोषणा करिबा परे एबे आपणको आम जानिया चाहिबु ग्राउंड जीरो रे वास्तव में चाषी समस्या कौटी काहीकि आपण माने प्रतिवाद करुछंती काहीकि आपण मानकु प्रतिवाद रो स्वर बढ़ेबा पई बाध्य होउछंती समस्याटा कौटी रही जाउछी श्रीक्त अशोक प्रधान आपणको जानिया पई चाहिबा देखुन पहिला कथाटा होउछे एटा जे प्रकृत रे व्यवस्था जन सरकार करुछन सेतरे गुटे दुईटा दिग आपण आमको बुझबाके पड़वा गोटे अवास्तव गोटे प्रस्ताव पहला सरकार देवाके चाहूछन जे चाषी धान केभे अमल करवा केभे से बिकवा से आगरु पर घोषणा करवा इटा गोटे संभव हैसी गोटे चाषी रो जेते बेले से धान केभे उत्पादन करवा तार संगे बहुत कथा जुड़ी करी अछि सेटा होछि जे प्रथम कथा हेबा जे जलवायु केन्ता अच्छे पापाग के परिवहन केन्ता करवा तार लगे जेन गाड़ी दरकार बा श्रमिक केन्ता तार संगे आसवा तथापि ओडार चाषी मैंने कहले ठीक अच्छे जदि सरकार प्रस्ताव दौन से गोटे प्रोबेबल डेट टे दे सरकार को जेटा कि निहाती भारत बर्षर के जगार नहीं पर जिते बेले सरकार चिंता करी नवेम्बर 15 चाषी अमल कर सारान नवेम्बर मसरे सरकार टोकन जेन आस जानुरी फेब्रुवरी आस तो आज प्रथम प्रश्न हूँ यहाँ जी चाषी सार धान के रख खास मुझे पश्चिम ओडिशार चाषी मान क्या कहचे से ऑलरेडी नवेम्बर मस सरीगला यथर जो वर्षा बहुत भल था नवेम्बर मसे चाषी मान अण जलसेचित जलसेचित प्राय सरी गलान तो जी जानुरी मसरे फेब्रुवरी मसरे आप टोकन देवे कण सरलीकरण आप सबुत्र बोते लगुचे आमको बाध्य कर बेपारी आपके कम दाम बिक्री कर दून से जानुरी मस तो फेब्रुवरी मस तो गोटे चाषी अपेक्षा कर पार्बार का द्वितीय कथा जेनटा कि सबुत्र गुरुत्वपूर्ण कथा आमको लगुचे
जे सरकार भुवनेश्वर बसिकी ये सब ये कर टोकन व्यवस्था थिला निश्चित भाव थी 6-7 वर्ष है टोकन व्यवस्था चलते किंतु सेटा जिला स्तर से निष्पत्ति होता आमर जेन डीएलपीसी अच्छे से निष्पत्ति होता जिलापाल थे जनप्रतिनिधि थे चाषी प्रतिनिधि थे मिलर प्रतिनिधि थे तथा आमर जेन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट डीडीए दे तार आधार में होता सब जिलाटा ओडिशार जिले कर सरकार इटा के जेन भुवनेश्वर के नेले आ भुवनेश्वर इटा के जेन कंट्रोल करवार चिंता कले अति अवास्तव आ बिल्कुल से ग्रहणीय भी नुहे आर द्वितीय दिगटा है सरकार किए जे सी गोटे प्रॉपर्टी रिपोर्ट आधार के ना मानवार विभिन्न जिलूर जाइए जलसेचित अंचल 19 क्विंटाल अणजलसेचित अंचल 13 क्विंटाल आपन किए से ये कर आपन जानछन के जे माने नीति नियम तैयार करुछन आपन केते बेले ग्राउंड जीरो के आसीछन इतरे गोटे बम्फर ट्रक अच्छे पश्चिम ओडिशा अति अति भल ट्रक अच्छे इतर तो आप जेन 19 क्विंटाल 13 क्विंटाल पर जेन बड़का धानटा रहा सेटा चाषी तो बाध्य होगा अधा दाम बिकवार लगे तो आम गोटे बार्ता देवा सरकार के चाहूँ जे ये प्रकार आप विकेन्द्रीकरण जेनटा आगु थी सब जिलार से आसवार कथा ना कि आप भुवनेश्वर बसिक ग्राउंड जीरो किसी आपन किसी लोक बसले केशव प्रधान आप दुई तीनो दिग प्रति आप गुरुत्व आरोप कर एक कथा टोकन व्यवस्था जिला स्तर हवा कथा द्वितीय कथा टोकन ठीक समय मिलवा कथा तृतीय कथा जो लिमिटेशन रखा जा जलसेचित जमी और अण जलसेचित जमी जो टार्गेट रखा जाकर प्रश्न उठाऊँ मुझे आउ टे आप जानापी चाहिए सरकार कहते हैं धान किणा चली जदि धान किणा चली पश्चिम ओडिशा कथा कह ताले धान काठ किणुं सरकार जदि चाषी पाखे टोकन नहीं जदि चाषी पाखे धान अमल होकर घरे पड़ रही ताले सरकार काठू धान किणुं से स्पष्ट करेंगे कि बिल्कुल प्रथम जेनटा कथा रोचे इटा जे जे प्रकृत रे पैसा किए किए किणुचे धान आमर जेन व्यवस्था रे करिछन सरकार सेतरे प्रथम कथा हो जे सरकार जदि 10,000 कोटी टंका ओडिशा रे सेमाने कले पश्चिम ओडिशा रे भी प्राय प्राय 5,000-4,000 कोटी टंका रो धान सेमाने किणुछन तो प्रकृत कथा हो जे जे पैसा सरकार लगाले ताकर पैक्स लैंड्स के दायित्व दिया गला से माने मानन निर्णय करबार कथा आरएमसी अच्छे किंतु ओडिशा रो गुटे भी जिला कोन जेन के मिलर प्रतिनिधि जदि नाही रन्नो तो से जगह रे अपन धान किणी पारन ने मिलर मानकर से मार्केट यार काना रोल अच्छे सेनु मिलर माने कटनी छटनी करबा ले से माने किए मानन निर्णय जदि अमर पैक्स करूछन तो मिलर इटा वेयर हाउस के जिबार कथा सेही जगह रो मिल हेड हेबार कथा चाउल लगे मिलर माने जेतु ओडिशा रे ई जन दादागिरी करूछन आ सरकार एकबार चुप रही जाउछन तो सबुतरो इटा लेभी रे किणा बिका नै हेबार सरकार जेन धानटा के इटा किणा जाउछे मिलर ताले आपण को कहबा कथा एते सब व्यवस्था सुधुरीबा परे मध्य मिलर मानकर भूमिका धान किणा व्यवस्था रु दूर होई पर नै मु आसीबी आपण पको आउ किछि मध्य कथा हबा में सागर रथ मो सहित जोड़ी होती मुझे टी सागर बाबू आपन को जानापी चाहिए वास्तव में जो चाषी आंदोलन चली दिल्ली हरियाणा पंजाब चाषी मैंने दीर्घ किसी दिन धरी आंदोलन करुंच सरकार बैठक करपडेट कौन अच्छी वास्तव में गोटे पर्याय बैठक सरला आसंता का आउ एक बैठक हम चाषी मैंने कौन कहते सरकार बुझेबारे कहीं सक्षम हो पारना अपडेट चित्र कौन अच्छी आप देखु चाषी मानकर जो तीन प्रकार जिनस को लेकिन डर रही आ डर को सब प्रकार रे सरकार तरफ स्पष्टीकरण पूरा करुंचे सब प्रसंग डर कौन कारण ना कारण से प्रथम कथा जमी कहते एमएससी एमएसपी जो सपोर्टिंग प्राइस जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसटा से सिस्टमटा बोध हुए सरीज यही बोध हुए भयर सब चाषी मान जो एकत्रीकरण हो विद्रोह कर प्रक्रिया यटाक सरकार मूलर आबि स्पष्ट करते बैठक होता से बैठक से प्रेजेटेसन दि जाइला बाकायदा जमी दि जा कथा कि प्रेजेंटेशन ने कोठी भी नहीं कि एमएससी सिस्टम को कौन सी प्रकार रे बंद कर दिया जीवो तेणु ये जो भय रही भय को दूर करने सरकार बुझेवा सत्वे से राजी होना पुणी सरकार तरफ प्रस्ताव यह रखा जाता कि आपण मितर सदस्य मान भर बाची गोटे कमिटी गठन कराऊ से कमिटी लगातार लगातार बस भी जदि सरकारी संस्था सहित सरकारी सहित प्रसंग मान सहित जब आलोचना कर तेबी कौन सी आपत्ति अभियोग सरकार पक्षर ना कारण
पंजाब कथा जदि देखा जीव तले पंजाब इत्यादि रे जो चासी माने अछंती से मानकर एक्टर एक्टर जमीरे जो रहिची धान फसल को नहीं से माने बेसी चिंतित कारण से मानकर गहमर कंजप्शन आ धान होची तांकर बिजनेस तेणु धान रे तांकु मिलुतबा सब्सिडी मिलुतबा बिजुली दर छाड एही सब गुडी को समय क्रमे प्रभावित होबार गोटे अन्यतम भय तांकर मन रे रहउची जोटा को सरकार तरफ चेष्टा करा जोची बुझेबा पई किंतु से माने मानय को कोंतु आज्ञा संदेह करुछंती चासी माने जे नुआ कृषि आईन सेमानको कोठना कोठी असुविधा रे पकेइबो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उठी जाई पारे चासी जो सब्सिडी पाउछंती बिजुली दर सारा बिहन ये भी कोठी प्रत्याहार हेई पारे एभळी एक आशंका जन्म होउछी मु आसीबी आपण पाखकु आउ टिके मध्ये आमे आलोचना करिबा आसंता काली जो बैठक अछि को प्रसंगर आलोचना हबो किंतु मो सहित संग्राम केसरी मध्ये अछंती जे उपकूल ओडिसा रो नवनिर्माण कृषक संगठन जे नेतृत्व नउछि चासी आंदोलन ताकर प्रतिनिधि अछंती राज्य कार्यकारिणी सदस्य संग्राम बाबू आपनकु जानिया पई चाहिबु वास्तव रे अशोक बाबू जो कथा कहुतले गोटे धान किणारे अव्यवस्था कथा उठौतले आमे देखुछु एपटे आपण माने मध्ये आंदोलन कोलौचंती वास्तव रे समस्या कोठी रहउछि चासी आउ चास ए व्यवस्था को सुधार करिबा पई केन्द्र सरकार थारु आरंभ करी राज्य सरकार पर्यंत अनेक गुडिया नुआ नुआ आईन आनलेनी सरलीकरण व्यवस्था आनलेनी तथापि काहेकि व्यवस्था सुधरु नाही आपणक संगठन कोन कहिया पई चाहउछि संपूर्ण भाव नवनिर्माण कृषक संगठन ये जो आंदोलन चली दिल्ली में जो चाषी मैंने बस आंदोलन को नवनिर्माण कृषक संगठन संपूर्ण भाव समर्थन दौर नवनिर्माण कृषक संगठन एक प्रतिनिधि दिल्ली में अच्छी अशोक भाई जो कथा कहले चाषीर जो धान किणा होती बालेश्वर जी आपड़ी कोस्टाल बेल्ट भी धान क्विंटाल 10 के जी 15 के जी कटा होशी ठीक टाइम मंडी खोलला ना चाषी धान अमल कर सारे धान बिकाक चाषी रही जगह ना घरे चाषी धान रखी कौटी चाषी धान केमी बेपारी मैंने किणवे सरकार से व्यवस्था करी आज 1000 टकर धान दूसरी जोटी सरकार कहते 2344 टाँग खर्च होती 1868 टाँग रेट करी जो रेट सरकार करेट चाषी पाने जदि आम एमएसपी की जी एमएसपी केसेंट चाषी पा भारत वर्ष 6% चाषी पाते केन्द्र सरकार जो आईन आईले केन्द्र सरकार आईन में कौन संपूर्ण भाव भाग चाषी निश्चिन्न होजिबे भाग चाषी रहिबे नाही ए जो व्यवस्था चली केन्द्र सरकार आईन संपूर्ण भाव आलु प्याज हाथ सरकार कंट्रोल बाहर को चलीगला आलु प्याज रेट मन इच्छा ट्रेडर मैंने रखिए मन इच्छा स्टॉक होल्डर रखिक मन इच्छा रेट बढ़े एवं जो आईन आनी पूरा मंडी व्यवस्था को संपूर्ण भाव खत्म कर दिया जिबो खोला वन नेशन वन मार्केट कथा कहते संपूर्ण खोला बजार हो जिबो जो खोला बजार होगला परे मंडी रहिबो मंडी सहित तो आउ बाहर कॉर्पोरेट संस्था माने बाहर मंडी करिवे जोटी चासी मंडी रेट पाई पारुनी बाहर जत खोलार बजार मंडी हबो खोलार तो चासी बिकिबो सेटी ना जो माने किणिबे से माने टैक्स पे करियो पड़िबो नाही एवं चासी खोलार बिकिबो से तांका मन इच्छा मोनोपोली करिवे मन इच्छा जहा इच्छा हबो से रेट देबे एही व्यवस्था चलिबो तेणु करी नवनिर्माण कृषक संगठन सारा ओडिसा रे भी आंदोलन करूची तेणु करी ए नवनिर्माण कृषक संगठन संपूर्ण भाबे कहूची जो केन्द्र सरकार जो आईन आनचंदी से आईन की रद्द करा जाऊ सरकार डाकुचंदी आलोचना पई आलोचना का आलोचना कौन करिवे चासी माने आसुतले आज देश कोठ पहुंची जे चासी माने आसुतले आपण रास्ता खोली देबे आप गणतंत्र देश रे चासी रो कहियार अधिकार नै चासी प्रोटेस्ट करियार अधिकार नै आपण राली करूचंदी दिल्ली रे राली करिवे आपण भिनन जगह राली करिवे निर्वाचन हबो सब कथा हबो केंद्रले चासी जे तळे आसीबो आपण सेतबेले कोन करिवे रास्ता खोली देबे माने ए गणतंत्र राष्ट्र रे आमे बुझी पारुनी जे एटा गणतंत्र अच्छी ना ये मनोमुखी शासन चलती चाषी के कथा कहार अधिकार भी दि जाऊनि तेणुक चाषी जो समस्या रही ये सरकार चाषी आत्महत्या करुते ये सरकार चाषी आउर केीघ्र के जल्दी अधिक आत्महत्या करेंगे ये सरकार तापी गोटे व्यवस्था या सरकार मंडी व्यवस्था को भांगुची चाषी की धान बिक्री हो पारे चाषी गहम बिक्री हो पारे चाषी जहाँ अमल कर बिक्री हो पारे से सरकार स्वतंत्र प्रयास चल सिंह प्रधान ये आप जानते केन्द्र सरकार भी नुआ कृषि आईन आनी राज्य सरकार भी नुआ कृषि बाबद किमती सरल व्यवस्था हो पार नुआ अध्यादेश संवाद विभाग पक्ष अणाई जहाँ संग्राम बाबू कहते ओपन मार्केट हम आपण वन नेशन वन मार्केट कर भाग चाषी निश्चिन्न कथा कहते लगुच आपण को जितेबले कोरोनापी अर्थनीति एक प्रकार दुर्बल हो अर्थनीति को अधिक सबल करने प्रधानमंत्री ठारू आरंभ कर मुख्यमंत्री पर्यंत समस्ते कहते कृषि ही एकमात्र विकल्प कृषि ही अर्थनीति को सुधार करते अर्थनीति चाषी भूमिका गुरुत्वपूर्ण आपण को लगुच कि जो जो नुआ नुआ आईन व्यवस्था आसूची ये चाषी को अधिक सबल करुच्ची ना दुर्बल करुच्ची
ତ ରଥ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ କଥାଟା କହିଲେ ମୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଯିବି, ସେଟା ହେଲା ଯେ ଚାଷୀ ଚାହୁଁଛେ କଣ, ଆପଣ ଯେନ୍ ଏମ୍ଏସ୍ପି କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ଚାଷୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନେବେ, ପ୍ରକୃତରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେନ୍ଟା ମଣ୍ଡିରେ କିଣିବେ ଆପଣ, ଯେନ୍ତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଏ ଆମେ ତ ମଣ୍ଡିରେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ କିଣିବେ ସେ ଅଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗେ ସରକାର ଆମକୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟଟା ତାଙ୍କର ହାତେ ଛାଡୁଛନ୍, ସେଟା କିଏ ଏନ୍ସିଓର କରବା? ଆମେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ସେ କୋର୍ ଗ୍ରୁପର ଆମେ ମେମ୍ବର ଅଛୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଦିଗଟା ରହିଛେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେନୁ ଜୁଡ଼ୁନୁ ଯେ ଲିଗାଲି ସେଟା ଏନ୍ସିଓର କରିବେ ଯେ ଯେନ୍ତା ମଣ୍ଡିର ବାହାରେ କିଣା ବିକା ହେବା ସେଇ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନ୍ୟୁନତମ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା, ଯଦି ସେଟା ନାଇଁ ପାଇଲା ତ ତାହେଲେ ତାର ମାନେ ଯେନ୍ତା ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲା 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡବିଧାନ, ଇ ଯେନ୍ କୃଷି ନୀତି ସରକାର ଯେନ୍ ଆଣିଛନ୍, ପ୍ରଥମ ଯେନ୍ ବିଲ୍ ଆକ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଲା ସେଥିରେ ତ ସେ ଦିଗଟା ହିଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ରେଞ୍ଜର ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକେ ଯିବେ, ଏପିଲ୍ କରିବେ, ସେଟା ପରେ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ ମାସେ ପରେ ସେ ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି କରିବେ, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ରାମ ମୁଣ୍ଡା ଶ୍ୟାମ ମୁଣ୍ଡାର ସମୟ ଅଛି ଯେ ସେ ଯାଇକରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ନୁ ଦେବା, ଆଉ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ ଅମ୍ବାନୀ ଅଦାନୀ ସାଙ୍ଗେ, ତ ଚାଷ ଆଉ ଚାଷୀକେ ଗୋଟେ ଖତମ କରବାର ଏଇଟା ଯେନ୍ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଅଧ୍ୟାଦେଶ କେତେବେଳେ ଅଣାଯାଇଛି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ, ଗୋଟେ କରୋନାର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଆପଣ ଜୁନ୍ ମାସେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ କେନ୍ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣୁନ ବୋଲିକିରି, ଇଟା ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେନୁ ସେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍, ଆଉ ସିଧାସଳଖ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଚାଷ ଆଉ ଚାଷୀ କରୁଛନ୍। ମଣ୍ଡି ସହିତ ଯଦି ଓପନ୍ ମାର୍କେଟରେ ଚାଷୀଟିଏ ତା ଧାନ ବିକ୍ରି କରେ, ଏମ୍ଏସ୍ପି ଠାରୁ କ'ଣ ଅଧିକା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କି? ତା ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ହବ ସେ ସେଇଠି ଧାନ ବିକିବ, ଦୁଇ ପଇସା ଯୋଉଠି ଅଧିକା ପାଇବ ସେ ସେଇଠି ଧାନ ବିକିବ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି। ଯଦି ସେଥିରେ ଚାଷୀ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକା ପାଇଲା, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମ୍ବାନୀ ଅଦାନୀ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବେ, ଏମ୍ଏସ୍ପି ରୁ କମ୍ ଦାମରେ ଧାନ କିଣିବେ, ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା କାହିଁକି ଆସୁଛି? ସେଥିଲାଗି ଆସୁଛେ ଯେ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନାଇଁ କରି, ଯଦି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ ବାହାରେ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି କିଣା ବିକା ହେବା, ଯଦି କିଏ ଏମ୍ଏସ୍ପି ରେ ନାଇଁ ନେଲା ତ ଆମର ଗୋଟେ ତାର ଧାରାଟେ ଅଛି, ତାର ନୀତି ଅଛି, ନିୟମ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ ବାହାରକେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ କିଏ ଏନ୍ସିଓର କରବା? ଆମେ ତ ସେଇ ଏନ୍ସିଓର କର ବୋଲି ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମେ କାଣ କହୁଛୁ ସରକାର ଲିଗାଲି କହୁନ ପ୍ରାବଧାନ ଆଣୁନ ସେ ଜାଗାରେ ଯେ ଯଦି ମଣ୍ଡି ବାହାରେ କିଣା ବିକା ହେବା ତ ଯିଏ କମ୍ ଦାମରେ କିଣିବା ନ୍ୟୁନତମ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରମୁ, ସେ ପ୍ରାବଧାନଟା ସରକାର ଲିଗାଲ ଇଏଟା କାମରେ ନାଇଁ ଦେବା, ସେଦିନ ସେଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଛେ ହେଟା ନାଇଁ ଚାଲବାର, ସେଟା ଏମ୍ଏସ୍ପି ରୁ କମ୍ କିଣିଲେ କଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନରେ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ପି ରୁ କେହି କମ୍ରେ ବିକି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ବିକେ ତା ପାଇଁ କଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ସାଗର ରଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ବୈଠକ ଅଛି ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ? କମିଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏକ କମିଟି ଯାଇ ଭେଟିବ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତୋମରକୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜିଦି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ। ଲାଗୁଛି ସମାଧାନର ବାଟ କିଛି ବାହାରିବ ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଏ ରହିବ, ଏମିତି ବି ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ରାଜନାଥ ସିଂହ ବି ରହିପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା କି ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଆସି ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ସେମାନେ ତଥାପି ବାରମ୍ବାର ଆଜିର ବି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ସେମାନେ ଚୁକ୍ତି କରି ତାଙ୍କର ଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଲେ ତାହା ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ, ନଷ୍ଟ ହେବନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବିକ୍ରି ହେବ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆସିଓର କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଓର କରାଯାଉଛି। ଆଉ କାଲିର ବୈଠକରେ କିଏ ରହିବେ ତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯାହା ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ପିରୁ କେହି କମ୍ କିଣିଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି,
जदि कहते चाषी को आम संपूर्ण सुरक्षा देचु बोली तेल आईन रे व्यवस्था हवा जरूरी जो कथा चाषी संगठन नेता मैंने कहते जदि कि एमएसपी रु कम बिके दंडटा कम मिल से कथा तो सरकार टी खोल कहतु से व्यवस्था तो आईन रे करूँ कम से कम ताकूँ आश्वस्त होते चाषी मैंने हाँ जदि ए बंधु ए बंडी ए समवाय समिति जदि एमएसपी रु कम दाम धान किणे ताकि दंड मिल कारण गोटे गरीब चाषीटी जी जो बिल मुंड झाला तुंड मारिकी खटुची जो दी पैसा कम मिलूची ये केवे संभव नुहे से अफिस्रू से अफिस् ए बाबू को ठू से बाबू एमती दौड़ा केवे भी संभव नुहे तेणु ए व्यवस्था पर आसंता का आलोचना हो पाए आम जहाँ आशा करूँ मो पाखे समय कम रही संग्राम बाबू शेष कमेंट्स आपठू नापी चाहिए ये चाषी आंदोलन थमिबर ना चाषी मानक जो दाबी से दाबी पूरण हवा भाई आपन को लगुच ना ना चाषी ए जो आंदोलन चली चाषी संपूर्ण भाव सरकार चाषी पाखे नतमस्तक हो पड़ो सरकार आनी जो तीनो कला आईन आम भाषा तीन टा कला आईन से कला आईन की तुम रद्द करा पड़ो चाषी ए समय से चाषी सहित तो आलोचना नक चाषी की न पचारिकी कहीं आईन आईले जो आईन में चाषी क्षतिग्रस्त हे चाषी बुझी चाषी किसी बुझे बोली जो सरकार कहे से संपूर्ण मिछ चाषी जाणी धान केमी बिक्री हे केमी व्यवस्था होशी जो मंडी में बिक्री पार नहीं आप ओपन मार्केट करदे बिक्री हे आपड़ जदि देखा जीवे यही जो व्यवस्था केन्द्र सरकार आनी कथा 1960 मसीह यूरोप हो आमेरिका हो इंग्लैंड हो सब कंट्री में से व्यवस्था कराई जोटा कि व्यवस्था संपूर्ण भाव भूसुड़ी पड़ा जो सब सुविधा हो आईन बदली गले निश्चिंत भाव गोटे कथा हूँ मंडी केमी मंडी में चाषी धान बिक प्रथम कथा मंडी चाषी धान और गहम होता जिन केमी बिक सुरक्षित रहा आईन आसे से आईन स्ट्रिक्टली हम ओके तो प्रधान लास्ट कमेंट्स आपको नापी चाहिए आपड़ जेहेतु दीर्घ दिन धरी चाषी आंदोलन सहित अच्छा चाषी मान दुख सुख से ढड़ा हो लास्ट कमेंट्स आपठू नापी चाहिए आपण मतरे ये सब समस्या समाधान बाट कौन ए जिला स्तर में जदि कमिटी कराए टोकन व्यवस्था कराए व्यवस्था सुधरी बिल्कुल मोर गोटे मत स्पष्ट अच्छे ओडिशा रे मंडी व्यवस्था ही ना गछ मूल रे मंडी चले ओडिशा रे जे व्यवस्था को आमे 4000 मंडी करिछु सेटा गोटे भूल वार्ता दोइछन से माने पंजाब हरियाणा कथा छाड़ तो छत्तीसगढ़ दुडे मॉडल देश रे पंजाब मॉडल छत्तीसगढ़ ओडिशा ना पंजाब मॉडल जाउछि ना छत्तीसगढ़ मॉडल जाउछि मोर गोटे स्पष्ट मत आमे गोटे आह्वान दे सारिछु 5 डिसेंबर 4 डिसेंबर तो जदि ओडिशा सरकार नीति रे परिवर्तन ना कर 19 क्विंटल 13 क्विंटल आई टोकन व्यवस्था रे तो 5 डिसेंबर रे पश्चिम ओडिशा सब जिले लोक धान धरिकी सीधा सड़क रास्ता के आसबे आ केंद्र सरकार को गुटे भी गुटे चेतावनी जे एक्चुअली ई प्रकार व्यवस्था अपन बिना चाषी के पचारी के जिते दिन तक आप दिल्ली में बस प्रकार निष्पत्ति नौते चाषी चुप ना रहे दुई सरकार को आमर गुटे ओके चाषी संगठन जहाँ कहवा कथा ए आंदोलन थमिबो नाही जेपर्यंत सेमानको न्याय दाबी मिली नाही केंद्र सरकार हुंतु कि राज्य सरकार हुंतु सीधा सड़क ग्राउंड जीरो रे जाई चाषी सहित कथा हुंतु सेमानको समस्या विषय अवगत हुंतु सीधा सड़क समाधान बाट बाहर करंतु ए कागज कलम समाधान चलिबो नाही तेणु एक जो आंदोलन नुआ मुंड टेकिबा कथा अशोक प्रधान कहउचंती आमको देखिबा को पड़िबो कारण चाषी जदि आंदोलन को ओलाए एक चाष भी प्रभावित हबो दुई रे आम भात हांडी भी आम हाथ खसीजी अनेक अनेक धन्यवाद श्री अशोक प्रधान श्रीयुक्त संग्राम केशरी और श्रीयुक्त सागर रथ आम सहित आलोचन सामिल होते आम विस्तृत भाव आलोचना करुले किपर चाषी ताति बढ़ुची आगु की कौ रूप नब सरकार कौन पदक्षेप नौपर आम मान लगातार नजर रही समय सरी आज कार्यक्रम को रखा नमस्कार।